नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लगातार.in। 1 मई से लेकर 31 मई तक पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा दामों में वृद्धि हुई है। आम लोगों को यह पता नहीं है कि पूरे महीने भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ते हैं। लोग आते हैं अपने मोटरसाइकिल में 50 रुपया, 100 रुपया, 120, 200 रुपया का तेल भराते हुए चले जाते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ते थे तो पेट्रोल डीजल एक ही लीटर लेना पड़ता था या तो 2 लीटर लेना पड़ता था, और इस समय डिजिटल पेट्रोल पंप हो जाने के कारण लोग पैसे के अनुसार से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। आपको मालूम होगा कि इस महीने का शुरुआती दौर में 3 मई को पेट्रोल के दाम 88.25 रुपये थे, जबकि डीजल का दाम 85.71 रुपये था। आज के डेट में, आज 31 मई है, इस महीने का अंतिम दिन है, आज पेट्रोल का दाम 91.25 रुपये हो गया है और डीजल का दाम 90.40 रुपये हो गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि पेट्रोल के दाम में 3 रुपये की वृद्धि हुई है और डीजल के दाम में 4.69 रुपये की वृद्धि हुई है। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं जो पेट्रोल और डीजल भराने के लिए आते हैं कि उनको मालूम है कि नहीं कि पूरे महीने के में कितना पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़े हैं। आइए तो हम बात करते हैं। 1 मई से लेकर आज 31 मई तक पेट्रोल के दाम कितना बढ़े हैं आपको मालूम? नहीं पता। आप प्रत्येक महीना तेल भराते हैं? हाँ, प्रत्येक महीना। लेकिन कितना बढ़ा है नहीं मालूम? इस महीने पेट्रोल के दाम में कितना वृद्धि हुई है आपको जानकारी है? हमको तो जानकारी नहीं है। आप हर महीने तेल भराते हैं? भराते हैं। एक महीना में? इस मई महीने में। मई महीना में मालूम नहीं कितना भरा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।